2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर मुकाबला काफी रोचक होने जा रहा है। कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी को चुनौती देंगे। मनोज तिवारी साल 2014 से इस सीट से सांसद हैं, जबकि कन्हैया कुमार की बात करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बिहार की बेगूसराय सीट से हार का सामना करना पड़ा था। इस वक्त वो सीपीआई की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन अब कन्हैया कांग्रेस की टिकट पर दिल्ली से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट हमेशा से ही पूर्वांचली और बिहारी वोटरों की गढ़ रही है, इसलिए ज्यादातर पार्टियों की कोशिश रहती है कि इस सीट से किसी पूर्वांचली या बिहारी प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा जाए। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। आप दिल्ली की 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस 3 सीटों पर। कांग्रेस के खाते में जो सीटें आई हैं उनमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट भी है। इस सीट से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान तो काफी पहले कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने लंबे विचार विमर्श के बाद कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के खिलाफ मैदान में उतारा है। राजनीति के जानकारों की माने तो इस सीट पर अब मुकाबला कांटे का हो चला है। वैसे तो मनोज तिवारी राजनीति में कन्हैया से काफी पहले आ चुके थे, लेकिन कन्हैया का छात्र राजनीति का अनुभव भी उन्हें मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के पास क्या क्या संपत्ति है और कितनी प्रॉपर्टी है। शुरुआत करते हैं कन्हैया कुमार से। साल 2019 में बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ने वाले कन्हैया कुमार ने तब अपने हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 5,57,838 बताई थी। इसमें 3,57,838 की चल संपत्ति और 2,00,000 की अचल संपत्ति थी। कन्हैया कुमार ने अपनी आमदनी का जरिया फ्रीलांस राइटिंग, गेस्ट लेक्चर और किताब की रॉयल्टी में मिलने वाली रकम को बताया था। जेएनयू के छात्र नेता रहे कन्हैया कुमार के पास किसी तरह की कोई ज्वेलरी नहीं है। बिहार में उनके नाम पर एक पैतृक संपत्ति थी। इस गैर कृषि भूमि की वैल्यू उन्होंने 2,00,000 बताई थी। बता दें कि कन्हैया कुमार के पिता किसान हैं, जबकि मां आंगनवाड़ी में कार्यरत हैं। अब बात करते हैं मनोज तिवारी की। साल 2019 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 24,28,17,031 रुपए बताई थी, जबकि उन पर 1,36,18,755 रुपए का कर्ज भी था। मनोज तिवारी के पास 8,64,11,031 की चल संपत्ति थी, तो वहीं 15,76,56,000 की अचल संपत्ति थी। मनोज तिवारी ने चुनावी हलफनामे में अपनी आमदनी का जरिया एक्टिंग, विज्ञापन, मॉडलिंग से होने वाली कमाई को बताया था। मनोज तिवारी के पास बिहार की कैमूर में कुल 3 कृषि भूमि थी, तो वहीं मुंबई, दिल्ली और बनारस में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी थी। वहीं मनोज तिवारी के इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक उनके पास कुल 5 कार हैं, जिनकी कीमत तब 2019 में 54,00,000 रुपए से ज्यादा थी। इनमें ऑडी Q7, मर्सिडीज बेंज, फॉर्च्यूनर, होंडा सिटी और इनोवा शामिल है। बीजेपी नेता के पास 134 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी भी थी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर मुकाबले के लिए पार्टी नेता राहुल गांधी ने खुद कन्हैया कुमार की पैरवी की है। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने को लेकर कन्हैया कुमार ने कहा कि कोई ना कोई सामने तो होगा ही, व्यक्ति अहम नहीं होता, विचार और मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। अब जनता तय करेगी कि मनोज तिवारी कोई काम किया है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी ने कहा, लोकतंत्र में सभी का स्वागत है और हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। उन्हें राष्ट्र, सेना और संस्कृति का सम्मान करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला जो देश का सम्मान करता हो। ऐसे तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।